नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। अपने सभी दर्शकों से आज यह सवाल है कि क्या आपने इस्लामी जिहादी संगठन आईएस की इराक में बर्बरताएं सुनी है? यदि हाँ तो जरा उन्हें याद करें और फिर सोचे कि भारत में हिंदूवादी संगठन आरएसएस क्या उस जैसा है? क्या नरेंद्र मोदी बर्बर बगदादी की तरह है? ये सवाल इतिहासकार इरफान हबीब के उस बयान से निकलते हैं जिसमें उन्होंने आरएसएस को आईएसआईएस जैसा बताया। इरफान हबीब ने यह भी कहा कि वाजपेयी से ज्यादा बुरी सरकार नरेंद्र मोदी की है। यह सब कहकर क्या इरफान हबीब ने अपनी पोल नहीं खोली? क्या यह उस सेकुलर बौद्धिक जमात की असलियत का खुलासा नहीं है जो असहिष्णुता का हल्ला किए हुए है? इरफान हबीब को भारत का नामी इतिहासकार बताया जाता है। सोचे, जो व्यक्ति वर्तमान की ऐसी समझ वाला है उसने इतिहास कैसा जाहिल काहिल लिखा होगा? कितना एक तरफा इतिहास लिखा गया होगा? इरफान हबीब ने यह बात रोमिला थापर अशोक वाजपेयी जैसे लोगों के जमावड़े में कही। सभी ने तालियां बजाई। किसी ने यह आपत्ति यह प्रतिवाद नहीं किया कि बगदादी के आईएस जैसा आरएसएस को करार देकर दुनिया को क्या बताया जा रहा है। हकीकत है कि आरएसएस हिंदू विचारधारा लिए हुए भाजपा और नरेंद्र मोदी उससे पोषित है, लेकिन इनकी कौन सी ऐसी हरकत है जो इन्हें आईएस समतुल्य बनाती है? आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। जीएसटी कानून को 1 अप्रैल 2016 से नाफिज करने का मरकजी हुकूमत का मंसूबा खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी इस बिल पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। मरकजी वजीर खजाना अरुण जेटली की बातचीत की पेशकश को कांग्रेस ने तकरीबन खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा था कि वो राहुल गांधी समेत कांग्रेस के किसी भी रहनुमा से इस पर बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन कांग्रेस के माहिरीन जराए का कहना है कि राहुल गांधी इस पर बात नहीं करेंगे। राहुल से जुड़े कांग्रेस के एक रहनुमा का कहना है कि जीएसटी बिल पर उन्होंने अपनी राय साफ कर दी है। राहुल ने दो टुक अंदाज में साफ कहा है कि कांग्रेस की तरफ से उठाए गए तीन मुतालबों पर हुकूमत समझौता करती है तो कांग्रेस हिमायत के लिए तैयार है, लेकिन हुकूमत इन तीनों तजावीज पर समझौता नहीं करेगी। इसके अलावा कांग्रेस ने जीएसटी बिल को मुल्क में मुबैना तौर पर बढ़ते आदम बर्दाश्त के साथ भी जोड़ दिया है। पार्टी की तरफ से पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में इस पर बहस का नोटिस दिया जाएगा और इस बात पर जोर दिया जाएगा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी जवाब दें। वेंकैया नायडू ने कहा है कि हुकूमत अदम बर्दाश्त के मामलात पर बहस के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस के माहिरीन जराए का कहना है कि उसे सरमाई इजलास को भी मानसून इजलास की तरह ठप करना है, इसलिए कोई न कोई अडंगा लगाया जाएगा। ये एक अहम सवाल है कि बीजेपी के रहनुमा क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह के काबू में नहीं है? आखिर 10 दिन पहले ही अमित शाह ने आधा दर्जन रहनुमाओं को बुलाकर फटकार लगाई थी और बयानबाजी बंद करने को कहा था। दादरी के वाकये पर इश्तियालंगेज बयान देने वाले साक्षी महाराज से लेकर संगीत सोम, संजीव बालियान, महेश शर्मा, साध्वी वगैरह को शाह ने खामोश रहने की नसीहत दी थी। उससे पहले नरेंद्र मोदी ने बिहार की रैली में इन रहनुमाओं के बयानों को बाजाब्ता तौर पर खारिज किया था। उससे पहले भी वो कई बार पार्लियामानी कमेटी के इजलास में रहनुमाओं को हर मसले पर बयान देने से रोक चुके हैं। इसके बावजूद किसी बीजेपी रहनुमा की जबान बंद नहीं हो रही है। शाहरुख खान के एक बयान पर बीजेपी के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने बयानबाजी की। कैलाश विजयवर्गीय से लेकर योगी आदित्यनाथ और साध्वी प्राची तक कई रहनुमाओं ने उस पर तंकीद की। इसकी वजह से बीजेपी की हिमायत में फिल्म बिरादरी में मुहिम चला रहे अनुपम खेर भी नाराज हुए। उन्होंने भी कहा कि बीजेपी रहनुमाओं को मुंह बंद रखना चाहिए। बाद में वेंकैया नायडू ने कहा कि ऐसे बयान देने वाले रहनुमाओं पर कार्रवाई होगी, लेकिन बीजेपी के माहिरीन जराए का कहना है कि कोई कार्रवाई नहीं होती है, इसीलिए रहनुमा बेलगाम हो गए हैं। अदम बर्दाश्त के वाकियात से ज्यादा रहनुमाओं के बयानात से बीजेपी को नुकसान हुआ है। कांग्रेस पार्टी एक साथ कई महाज पर मुतहर्रिक है। इसके रहनुमाओं को लग रहा है कि उन्होंने गुजरात से लेकर बिहार और दिल्ली तक हर जगह बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया है। कांग्रेस के माहिरीन जराए का कहना है कि पार्टी इस यकीन में है कि गुजरात के बलदियाती इंतखाबात में बीजेपी नहीं जीत पाएगी। पटेल रिजर्वेशन के रहनुमा हार्दिक पटेल की कांग्रेस ने खुलकर हिमायत की है। कांग्रेस रहनुमा और मशहूर वकील कपिल सिब्बल अदालत उज़्मा में हार्दिक पटेल का मुकदमा लड़ रहे हैं। उधर गुजरात में हार्दिक के वालिद ने कांग्रेस की हिमायत का ऐलान किया है।
है। इसी तरह कांग्रेस ने मुल्क के अदीबों, डायरेक्टरों और साइंसदानों की मुखालफत की हिमायत की है। दिल्ली में प्रतिरोध के नाम से मुनाकिद किए गए प्रोग्राम को कांग्रेस की हिमायत मिली। वो जुमा और हफ्ते को जवाहरलाल नेहरू की 125वीं बरसी के प्रोग्राम के बहाने मुल्क भर के सेक्युलर दानिश्वरों का इजलास करा रही है। इसमें अदम बर्दाश्त की मुखालफत करने वाले तमाम मुसन्निफ और सामाजिक कारकुनान शामिल होंगे। इसके बाद उनकी तहरीक मजीद तेज हो सकती है। ऐसे ही कांग्रेस ने बिहार में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के साथ जो अजीम इत्तेहाद बनाया है, उसकी कामयाबी को लेकर भी कांग्रेस के रहनुमा मुतमईन हैं। उनको लग रहा है कि 8 नवंबर के बाद हुकूमत को मजीद पीछे धकेलने में उन्हें मदद मिलेगी। महाराष्ट्र में शिवसेना के जीतने और उत्तर प्रदेश के बलदियाती इंतखाबात में बीजेपी के हारने से भी कांग्रेस को ताकत मिली है। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। बिहार असेंबली इंतखाबात की 243 सीटों के लिए 5 मरहलों की पोलिंग आज मुकम्मल हो गई। आज पांचवें और आखिरी मरहले में 9 जिलों की 57 सीटों पर रिकॉर्ड वोटिंग हुई। 5 मरहलों की पोलिंग में पहली बार वोटिंग का अदद 60% तक पहुंचा। आखिरी मरहले में 827 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे थे। इनमें सूबाई हुकूमत के कई सीनियर वुजरा भी शामिल हैं। कटिहार में सबसे ज्यादा वोट डाले गए। बीजेपी के सीनियर रहनुमा सैयद शाहनवाज हुसैन ने सुपौल में वोट डाला और जेडीयू के कौमी सदर शरद यादव ने मधेपुरा में वोट डाला। इस मरहले में सूबाई हुकूमत के वुजरा विजेंद्र यादव, लेसी सिंह, बीमा भारती और आरजेडी के सीनियर रहनुमा अब्दुल बारी सिद्दीकी की साख दांव पर लगी है। वोटिंग खत्म होने के बाद दोनों इत्तेहाद ने अपनी अपनी जीत का दावा किया। वोटों की गिनती 8 नवंबर को होगी। एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक दोनों अजीम इत्तेहाद में कांटे की टक्कर नजर आ रही है, लेकिन ज्यादातर एग्जिट पोल में अजीम इत्तेहाद को बढ़त मिलता हुआ दिखाया गया है। इंडिया टुडे और सिसरो एग्जिट पोल में एनडीए को 120 सीटें और अजीम इत्तेहाद को 117 सीटें मिलने का अंदाजा है, जबकि दीगर के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं सी वोटर इंडिया टीवी के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 111 सीटें, अजीम इत्तेहाद को 122 सीटें, जबकि दीगर के खाते में 10 सीटें जाने का अंदाजा है। बात अगर न्यूज नेशन के एग्जिट पोल की करें तो एनडीए को 117 सीटें और महागठबंधन को 122 सीटें मिलने का अंदाजा है। वहीं न्यूज एक्स ने अपने एग्जिट पोल में एनडीए को 90 से 100 सीटें और अजीम इत्तेहाद को 130 से 140 सीटें मिलने का अंदाजा लगाया है। वहीं अगर बात एबीपी नेल्सन के एग्जिट पोल की करें तो एबीपी ने एनडीए को 108 सीटें, अजीम इत्तेहाद को 130 सीटें और दीगर के खाते में 5 सीटें जाने का अंदाजा लगाया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सोने की दरामदगी कम करने और घरों में बिना इस्तेमाल के पड़े हजारों टन सोने को बाहर निकलवाने के लिए आज 3 स्कीमों की शुरुआत की। इसमें एक स्कीम स्वर्ण मुद्रीकरण की है। इसके तहत कोई भी शख्स 30 ग्राम या उससे ज्यादा सोना बैंक में जमा कर सकता है और उस सोने की कीमत पर 2.5% का सूद हासिल कर सकता है। दूसरी स्कीम गोल्ड सॉवरेन फंड की है। इसके तहत सोने की बजाय सॉवरेन बॉन्ड खरीद कर उस पर 2.75% सूद हासिल कर सकता है। इस बॉन्ड का इस्तेमाल कर लेने के लिए भी किया जा सकता है। इसके अलावा वजीर आजम ने सोने का सिक्का भी जारी किया, जिसके एक तरफ रिजर्व बैंक की तस्वीर है और दूसरी जानिब महात्मा गांधी की तस्वीर बनी है। हिंदुस्तान में तकरीबन 20,000 टन सोना पड़ा है, जिसकी कीमत 800 अरब डॉलर यानी करीब 55 लाख करोड़ रुपए है। तभी मोदी ने कहा कि ऐसा मुल्क गरीब कैसे रह सकता है। उन्होंने कहा कि सोना खरीदने के मामले में हिंदुस्तान के लोगों ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। रहनुमाओं को बेवजह बयान न देने की नसीहत के बावजूद बीजेपी रहनुमाओं का शाहरुख खान पर हमला जारी है। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने आज कहा है कि शाहरुख खाते हिंदुस्तान का हैं और गाते पाकिस्तान का हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि वो टॉलरेंस की बात करते हैं और खुद क्रिकेट के मैदान में इंटॉलरेंट हो जाते हैं। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि 27 अक्टूबर को शाहरुख खान को 100 करोड़ रुपए की हेराफेरी में ईडी का नोटिस मिला और 2 नवंबर को उन्होंने मुल्क में आदम बर्दाश्त के वाकये पर बयान दिया। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट और भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार मनोज तिवारी ने भी शाहरुख खान पर हमला किया और कहा कि अगर किसी भी किस्म की आदम बर्दाश्तगी होती तो शाहरुख इतने बड़े स्टार नहीं होते। मुल्क में मुबैना तौर पर बढ़ते आदम बर्दाश्त के वाकियात को लेकर मरकजी हुकूमत और नरेंद्र मोदी पर हो रहे हमलों के बीच मुसन्निफों और अदाकारों का एक ग्रुप आज वजीर आजम की हिमायत में उतरा है। इस ग्रुप ने कहा है कि पहले हुकूमतों की पनाह में रह रहे लोगों का इस हुकूमत में दबदबा खत्म हो रहा है तो वो नरेंद्र मोदी पर हमले कर रहे हैं। ये भी कहा गया है कि आम इंतखाबात में बुरी तरह से शिकस्त मिलने के बाद उसका बदला दूसरे तरीके से निकालने की कोशिश हो रही है। इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस के सदर लोकेश चंद्र और
कपिल कपूर, जेएनयू के साबिक प्रो वाइस चांसलर दिलीप के चक्रवर्ती, आईआईएससी से जुड़े के गोपीनाथ समेत 36 मुसन्निफों और अदाकारों ने वजीर आजम की हिमायत में एक तजवीज जारी की। दूसरी जानिब अदम बर्दाश्त के वाकयात बढ़ने के नाम पर मुसन्निफा अरुंधति रॉय ने एक फिल्म के लिए मिला बेस्ट स्क्रीन प्ले का कौमी अवार्ड लौटा दिया है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। इरफान हबीब आजाद भारत की दरबारी संस्कृति के एक प्रतिनिधि इतिहासकार है। ये नेहरू पोषित आइडिया ऑफ इंडिया से अलग किसी विचार किसी विकल्प को बर्दाश्त नहीं करते, यह साफ जाहिर हुआ है। तभी हिंदू राष्ट्रवादी नरेंद्र मोदी और संघ भाजपा के खिलाफ ये टूट पड़ रहे हैं। क्या यह सम्यक लोकतांत्रिक मिजाज वाला व्यवहार है? इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा। मुल्क में मुबैना तौर पर बढ़ते अदम बर्दाश्त की मुखालफत में चल रही मुहिम को इरफान हबीब ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने इस तहरीक की पोल खोल कर रख दी है। आरएसएस की बराबर सीरिया और इराक की दहशतगर्द तंजीम आईएसआईएस से करके उन्होंने ये जाहिर कर दिया है कि ये पूरी तहरीक किसी सोच या मुख्तलिफ सूबों में होने वाले कुछ वाकियात की मुखालफत में नहीं है, बल्कि नरेंद्र मोदी और आरएसएस की मुखालफत से जुड़ी है। मोदी जब गुजरात में थे तब उनके खिलाफ जो तहरीक चली उसी की तौसी अब दिल्ली में नजर आने लगी है। आरएसएस की बराबरी आईएसआईएस से करने के इरफान हबीब के बयान की कई सेक्युलर लोगों ने मजम्मत की है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो अपनी बात पर कायम हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने किसी जज्बात में बहकर ये बयान नहीं दिया था, बल्कि सोच समझ कर ये बयान दिया था। ये समझना मुश्किल नहीं है कि उनका ये बयान एक सियासी बयान था, ये किसी दानिश्वर का बयान नहीं हो सकता। और अगर एक दानिश्वर के नाते उनकी ये समझ है तो फिर तारीख को लेकर लिखे उनके मजमूनों पर सवाल खड़ा होता है। आरएसएस तरफदारी किए बगैर भी ये सवाल उठाया जा सकता है कि हिंदुस्तान की एक ऐसी तंजीम को आईएसआईएस जैसा बर्बर और पुरानी सोच वाली जाहिल तंजीम साबित करना चाहते हैं, जिसके लाखों की तादाद में स्वयंसेवक हैं और जिसकी तारीख 90 साल पुरानी है। जिस तंजीम ने मुल्क को दो वजीर आजम दिए और अनेक वजराए आला दिए, उसे दहशत गर्द बताना किस सोच का इशारा है? जाहिर है ये एक सियासी लाइन पर खड़े शख्स की सोच है जो जमहूरी अमल से इंतखाबात हार जाने की मायूसी में है। मुल्क में अदम बर्दाश्त के खिलाफ तहरीक शुरू होने से काफी पहले रोमिला थापर ने दिल्ली के एक सेमिनार में बोलने की आजादी पर सवाल उठाया था और तमाम दानिश्वरों ने उनकी हिमायत की थी। अब भी अदम बर्दाश्त के खिलाफ चल रही तहरीक में हर जहनियत के लोग जुड़े हैं, लेकिन इरफान हबीब ने आरएसएस की बराबरी आईएसआईएस से करके इस पूरी तहरीक को मजाक में तब्दील कर दिया है। सारे सरोकारों को बेहद हल्की और सियासी शक्ल दे दी है। ये जाहिर कर दिया है कि पूरी मुखालफत सियासत से मुतासिर है, इसका कोई इंसानी या उसूली पहलू नहीं है। इरफान हबीब हो या रोमिला थापर हो या अवार्ड लौटाने वाले अशोक वाजपेयी और दूसरे मुसन्निफ या अदाकार हो, किसी को भी एक या दो वाकये को पकड़कर उसे नरेंद्र मोदी बीजेपी और आरएसएस पर थोपने का हक नहीं है। वो मुसन्निफ एमएम कालबुर्गी के कत्ल का मामला उठा रहे हैं, लेकिन सवाल है कि क्या वहाँ की कांग्रेस हुकूमत ने इसकी तफ्तीश करा कर किसी की जिम्मेदारी तय की है? इसी तरह के मुसन्निफ नरेंद्र दाभोलकर का कत्ल अगस्त 2013 में हुआ था, तब महाराष्ट्र और मरकज दोनों जगह कांग्रेस की हुकूमत थी, लेकिन इरफान हबीब रोमिला थापर या अशोक वाजपेयी ने उसकी मुखालफत नहीं की थी। जब तस्लीमा नसरीन पर पत्थर चले थे तब भी किसी की मुखालफत की आवाज बुलंद नहीं हुई थी। जाहिर है मुखालफत की वजह सिर्फ एक चेहरा है, वो चेहरा नरेंद्र मोदी का है। दिल्ली की गद्दी पर मोदी के बैठने के बाद हर मामले का रंग बदल चुका है। लॉ एंड ऑर्डर के हर मामले को जाफरानी रंग दिया जा रहा है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद इरफान हबीब के फतवे पर चर्चा करेंगे। दुनिया में भारत बदनाम होता है, हिंदू बदनाम होता है। यदि यह प्रचार हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस संगठन से निकले हुए हैं जो जेहादी इस्लामी संगठन आईएस जैसा है, तो क्या यही पुरस्कार लुटा रही जमात का भी विचार है? यदि नहीं है तो क्या इन हल्ला बोल बौद्धिकों को इरफान हबीब के कहे से अपने को दूर नहीं करना चाहिए? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक है। वेदिक जी, इतिहासकार इरफान हबीब ने
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इराक की आईएसआई से तुलना करते हुए कहा कि आरएसएस भी उस जैसा है। ये जो बयान है, ये क्या हमारे जो बुद्धिजीवी है, जो सेकुलर जमात है, इसकी असलियत को उजागर नहीं करता है कि ये किस अंदाज में सोचते हैं? ये जो अंदाज है ना, इसका बुद्धि से कोई लेना देना नहीं। जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, वो बुद्धि को ताक पे रखकर सिर्फ जीवन जी रहे हैं। संघ की तुलना निजाम मुस्तफा से करना, इस्लामी राज्य कायम करने वाले आतंकवादियों से करना, कोई बुद्धिपूर्वक किया हुआ काम नहीं है। और इरफान हबीब जैसा बढ़िया उत्तम साहित्यकार और विद्वान नहीं, और इतिहासकार, वो इतिहासकार, वो इतिहासकार, मतलब, हाँ, पर उनके ये इतिहास की दृष्टि जो वर्तमान को इस अंदाज से देख रहे होंगे, तो वो उन्होंने इतिहास कैसा लिखा होगा, एक तरफा लिखा होगा? ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो वर्तमान की इतनी सतही समझ जिसको है, कोई गंभीरता नहीं है, वो इतिहास को जो गुजरे जमाने की बात है, उसको अच्छी तरह से खुद कैसे समझेगा और दुनिया को कैसे समझाएगा? और उससे भी बड़ी बात क्या है कि ये लोग जो कुछ गाली बक रहे हैं या चिड़चिड़ाहट निकाल रहे हैं, खिसियाहट जाहिर कर रहे हैं, वो अखलाक के प्रति इनको कोई सहानुभूति ऐसा नहीं है, या दामभोलकर के प्रति कोई सहानुभूति ऐसा नहीं है। दामभोलकर के प्रति सहानुभूति होती, उस कॉज के लिए लड़ने वाले होते, तो जब अगस्त 2013 में दामभोलकर को मारा गया, तब महाराष्ट्र में सरकार मोदी की तो नहीं थी, वहाँ तो पृथ्वीराज चौहान की सरकार थी और केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब जू भी नहीं रहेंगी किसी के सिर पर। ये तो राजनीतिक पहलू और ये हकीकत है ये जो आप कह रहे हैं, लेकिन क्या इससे बुनियादी सवाल ये कि जो सार्वजनिक विमर्श है और सेकुलर समाज की जो कथित बौद्धिकता है या जो कथित इतिहासकार है, उनको क्या ये नहीं लगता कि ये किस तरह की पोध है, ये किस तरह का विमर्श करने वाले लोग हैं? आप ठीक कह रहे हैं, ये बोगस बहस चला रहे हैं, इसलिए इनके तर्क बिल्कुल अटपटे हैं। जो तर्क जहां करना चाहिए वहां तो करते नहीं और उल्टा तर्क करते नहीं, पर आरएसएस किस तरह आईएस की जैसा हो सकता है? इरफान हबीब की नजर से आप क्या क्या कैसे सोचेंगे इस बात? भाई उनको ये है कि जैसे आईएसआईएस पोंगापंथी पुरानी मध्यकालीन इस्लामी सभ्यता को थोपना चाहता है, जिसकी वो व्याख्या कर रहा है उस इस्लामी सभ्यता को। ये जो व्याख्या है, ये जो उनका व्याख्या करने का तरीका, इसी हिसाब से इन्होंने अपना इतिहास नहीं लिखा होगा पिछले 67-68 साल में? जरूर रोमिला, क्योंकि देखिए दूसरा रोमिला था, पर अशोक वाजपेयी सबकी जमात में, जमावड़े में, सभा के अंदर उन्होंने ये बात कही और एक तरह से तालियां बजाई। देखिए मैं, ये सब लोग मेरे मित्र हैं व्यक्तिगत, इनका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन एक बात मैं बहुत विनम्रता से इन सारे इतिहासकारों, विद्वानों और साहित्यकारों के बारे में कहना चाहता हूँ कि ये एंशंट हिस्ट्री का अपने आप को प्रोफेसर बोलते हैं, आचार्य, संस्कृत नहीं जानते, प्राकृत नहीं जानते, हाँ, उस समय की जितनी भाषाएं हैं और लिपियां हैं उनसे इनका बस नाम मात्र का परिचय है और ये एक्सपर्ट बने हुए हैं। लोग मीडिएवल हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, उनको अरबी नहीं आती, उनको फारसी नहीं आती, मूल ग्रंथ उन्होंने पढ़े नहीं, अंग्रेजी के अनुवाद पढ़ पढ़ के इतिहासकार बन गए हैं। इसकी फिर जड़ में जाया जाए, इरफान हबीब ने जो कहा है वो क्या आरएसएस के प्रति नफरत को बताता है, या वो नरेंद्र मोदी, ये पूरी जमात नरेंद्र मोदी से नफरत करती है इसलिए इसको इश्यू इस तरह बना रहे, क्या है ये मामला, तो क्या मनोविज्ञान क्या है? आपके प्रश्न में ही आपका जवाब छिपा हुआ है। ये नरेंद्र मोदी के प्रति नफरत और खुद के प्रति मोह, व्यामोह, 60-70 साल से जो दरबारदारी कर रहे थे, अब कोई इनका राजा ही नहीं है तो अब दरबारदारी कहाँ करें, आदत पड़ गई दरबारदारी। नहीं, आप दरबारदारी का क्या कुछ कोई ऐसी पिछली पृष्ठभूमि बता सकते हैं, कैसे ये पनपे हुए, किस तरह का ये? वो देखिए हिस्ट्री कांग्रेस होती है, उसमें सब अपने अपने लोगों को भर लेते हैं, उसी एक ही तरह के लोग सारे पेपर पढ़ते हैं, कोई बहस के अंदर जो इंदिरा गांधी के समय एजुकेशन मंत्री थे उन्होंने ये बहुत काम करवाया था। इसमें नूरुल हसन जी तो ये करते ही थे, वो भी एक तरह के इतिहासकार थे। उस समय इनकी कोई असहिष्णुता या दूसरों के प्रति क्या भाव था, ये प्रकट तो होता था? असहिष्णुता तो अपनी जगह है, ये तो घृणा करते थे, दूसरे को किसी को भटकने नहीं देते थे, किसी को वहाँ हिस्ट्री कांग्रेस में भटकने नहीं देते थे, बोलने नहीं देते थे। असहिष्णुता का वातावरण तो इन्हीं वामपंथी लोगों ने
और अपने आप को बड़ा प्रोग्रेसिव कहने वाले लोगों ने इस देश में पैदा किया है। लेकिन इनका जो हल्ला हो रहा है, इस हल्ले का प्रतिरोध या इस हल्ले के आगे सरकार और सत्ता जो भी है, जैसी भी है, जो भी कुछ है, वो उनकी तरफ से तर्क या उनकी तरफ से कुछ जवाब देता हुआ भी तो समझ में नहीं आता। सरकार के पास लोग कहाँ है? सरकार के लोग तो हाथ पांव हैं, दिमाग तो है ही नहीं। कोई टक्कर देने वाले लोग जो बाहर बैठे हैं उनको सरकार पूछती नहीं है। सरकार के अंदर जो लोग हैं वो एक हद तक इरफान हबीब की बात ठीक है कि वे पढ़े लिखे लोग हैं, ना समझ लोग हैं, इनको जवाब देती नहीं आता है। वो ठीक है ये सारी, लेकिन फिर भी इस देश का सार्वजनिक विमर्श ऐसी ना समझी वाली बातों पे कि आईएस जैसा संगठन है, ये तो बहुत ही पराकाष्ठा है। नहीं तो उसका जवाब आप दे रहे हैं ना, उसका जवाब मैं दे रहा हूँ ना। जो लोग निष्पक्ष हैं, जो किसी पार्टी में नहीं है और किसी से कोई प्राप्ति की उम्मीद नहीं रखते हैं, वो लोग ईमान की बात बोलते हैं। तो इनकी जो बातें हैं उनमें सच्चाई भी हो सकती है। संघ से इनको जो आपत्ति है, संघ से इनको जो एतराज़ है, वो कुछ ठीक भी हो सकते हैं। संघ की कई बातें अप्रासंगिक भी हो सकती हैं, लेकिन इसकी तुलना आप आईएसआई से कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको सेंस ऑफ हिस्ट्री नहीं है, आप इतिहास बोध ही नहीं है आपको, आप समझते हैं। आप इतिहासकार हैं फिर, और इतिहासकार हैं। जी वैदिक जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@twitter पर जाहिर करें। अब फिर कल मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।